हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पर आज है बृहस्पतिवार और आज है पांचवा दिन नवरात्रि का। माँ स्कंद माता का जो है व्रत है आज, और मैं बना रही हूँ हार मैया के लिए। वो देखो मैया, देखो दिखाता हूँ। फूलों का हार बना रही हूँ मैं, बैठी थी तो मम्मी फूल लाए हैं, देखिए मैं बना रही हूँ। अच्छा लग रहा है कि नहीं, ज़रूर बताना आप सब। इसमें भी और बनाना है, आप देखिए फूल है इतना सारा। 1 किलो लाए तो चल रहा था, तो मम्मी चलो अभी इतना सारा इधर दिखा दो। मैं हार बना लेती हूँ, अभी आम का पत्ती लाऊँगी तो बाहर के लिए हार बनाऊँगी। हाँ, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मैं सही बना रही थी, अभी इसमें और भी बनाना है, अभी तो इतना ही डाली हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए मेरा हार माता रानी के लिए जो मैंने बनाई थी बन गया, उनको पहना भी दिया है मैंने, और पूजा पाठ सब कुछ तो सुबह ही हो गया था, हार नहीं बनाई थी। बोली चलो पहले सब कुछ कर लूँ तो आराम से हार बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत खाही हो जाती है, जल्दीबाजी हो जाती है। तो आप लोग भी देख लीजिए, हमारे लड्डू गोपाल पहने हैं येल्लो येल्लो, भाई आज येल्लो डे है तो सभी पहनेंगे आज येल्लो। भी पहन लिया है येल्लो वाला साड़ी, पूजा पाठ हो चुका है। शशांक अभी नहीं पहना, शशांक पहनेगा रात को, क्योंकि गरबा है, लोग खेलने जाएंगे तभी लोग पहनेंगे। अब चलिए अभी फूल सोच रही हूँ बाहर के लिए हार बना दूँ, लेकिन इसके लिए वो आम का पत्ती रहेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो अशोक का पत्ती डाल के बनाओ तो भी अच्छा लगेगा। तो अभी अशोक का पत्ती मैं ले लूँगी बाहर जाकर, है ना। और सब काम हो गया है, बर्तन धुलना है बस वही थोड़ा बहुत। और ये देखिए हमारा बहुत समय बाद, देख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, अंधेरा आ रहा है। ये देखिए ये पंचमुखी वाला जो है बहुत सुंदर लगता है, बहुत समय बाद खिला है फ्रेंड्स, क्योंकि बीच में ना खिला नहीं था, इसमें थोड़ा पता नहीं क्या हो गया था एक दिन, तो स्टार्टिंग में जब बहुत दिन बाद उसमें जो लिए थे कली गिर गया था, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मेरी पता नहीं क्या हो गया है मेरे गमले में, मैं टेंशन में थी, लेकिन माता रानी की कृपा देखिए नवरात्र में खिल गया है। अब मैं इसे चढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत सुंदर लगता है फूल वगैरह। अभी और भी फूल के गमले ला के, पौधे ला के मुझे लगाने हैं, ताकि खिलता रहे और अच्छा लगता रहे, है ना, अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, चलती हूँ बर्तन वर्तन धोती हूँ। अभी भी और 2-3 कली लिया हुआ है, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्रार्थना कीजिएगा अच्छे से खिले, क्योंकि बहुत समय इसको लग गया, 7-8 महीने लग चुके हैं कम से कम फूल खिलने में। इसको खाद वगैरह मैं नज़र लगा रही हूँ, नहीं पापा नज़र उतार देती हूँ मैं, और खाद वगैरह डाली तो बाकी सही बात, सही बात है, इसमें मेरी भी गलती थी, मैंने खाद बीच में नहीं डाला था इसलिए अभी डाले थे, तो अभी सब ठीक है। तो जब पौधे में फूल खिलता है ना, तो एक अलग सी एनर्जी, अलग सा मतलब माहौल हो जाता है, अच्छा लगता है। रहने दो यार, अच्छा लग रहा है। एक ही खिला है, बाकी यहाँ पे छोटे छोटे आप लोग देख ही रहे हैं, रहे हैं, आएंगे। स्टार्टिंग में 2-3 तो खराब हो गए मेरे, कितना बड़ा हो के गिर गया नीचे, बाकी सब हो गया था। बोली कोई बात नहीं, माता रानी सब देखेंगी, आशीर्वाद दी हो गया। मैं उनसे प्रार्थना की थी माता रानी से कि फूल मुझे चढ़ाना है, और आज के दिन तो बहुत महत्व भी है, चढ़ाने के लिए सब रख देती हूँ। फ्रेंड सब फैला हुआ है सामान, यहाँ पे देखिए प्रसाद वगैरह सब जो भोग लगाई थी वो सब है, रख दी हूँ। अब चलती हूँ, पहले काम वाम कर लूँ, आप लोग भी दर्शन कर लिए हैं, चलिए अब किचन में चलते हैं। किचन का हाल कुछ इस तरह से, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे पराठा सब्जी बना दी बच्चों के लिए, यहाँ पे मेरा फलाहारी बनाई थी, और यहाँ पे बस चार इतना सब बर्तन ही धो लेती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा ही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे धनिया लाए हैं महाराज जी, चलती हूँ धनिया भी साफ़ करूँ, नहीं तो सब मिट्टी बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं आप लोग तो ना, फिर क्या है सड़ने लगता है। टमाटर भी है, नींबू भी है, तो चलिए फ्रेंड्स करके फिर मिलती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साबूदाना का खीर बना दिया है, और कुछ मन ही नहीं कर रहा है करने के लिए। तो कंद मैंने भुना हुआ था, महाराज खाए, दो बच्चे अपना खा लेंगे इस दूध दूध के साथ, मेरा भी मन नहीं कर रहा है कुछ। बच्चों का दूध गर्म हो चुका है, यहाँ पे दाल चावल था, लोग अपना खाएंगे ही, और ये तो अभी कोई खा ही नहीं सकता झूठा है। तो आप लोग बने रहना, मिलती हूँ मैं कुछ टाइम में। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ आज पूरा 2-3 दिन से, सही वीडियो नहीं बन पा रहा है।
आज तो बिल्कुल नहीं बना, इधर उधर जो भी बना, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा पैर में। बट रात के 10 गरबा चालू है, बच्चे गए हैं तो जा ही नहीं पा रहे हैं गरबा में। इतना तो पैर दर्द कर रहा है, नहीं मन कर रहा जाने का। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सोची थी जाके वीडियो ले लूँगी, वो भी नहीं ले पाई। चलिए आप लोग बने रहना, नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए रेडी रहना। कुछ अच्छा सोच रही हूँ करने के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। आवाज़ स्लो आ रहा होगा तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। आज के दिन बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत कमर में पैर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है, ना खाने का ना पीने का। गई थी मार्केट जो लेना था भूल गई, गई थी फ्रूट्स लेने के लिए। मुझे अभी रिटर्न आके लूँगी और क्या बोलूँ, दिमाग में एकदम पागल हो जाएगा हमारा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में पेंट करती हूँ, मिलती हूँ कल। जो भी रहेगा आप लोग देखना और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।